बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरे से होंगे। तो हम आपको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। तो अगर तो किसी ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले जितने वीडियो हैं वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आज हम आपको फ़ोटोशॉप के अंदर वीडियो का थंबनेल बनाना बताएंगे कि हम अपनी वीडियो का थंबनेल जो है वो किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले PNG पिक्चर चाहिए, ठीक है। PNG पिक्चर के बाद अगर जो कुछ भी हमने उसके ऊपर लगाना है वो सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने अपने बैकग्राउंड पर कोई कलर वगैरह लगाना है, उसके लिए हम यहाँ से ये उठाकर ये ग्रास वगैरह जो है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको पहले तो इसको सेट किया लेकर आए हैं। अगर तो आपके पास ये चीज़ जो वो शो नहीं हो रही, तो आप मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो रही, तो आप Ctrl+T के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको अपने साइज़ के हिसाब से करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद हम ये हमारे पास एक पिक्चर है PNG, हम यहाँ से उठाकर इसको लेकर आएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका ये फेस काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये छोटा चाहिए। सबसे पहले हम अपने जो है ग्राफिक्स को छोटा करेंगे, उसके बाद Ctrl+T करने के बाद हम यहाँ से इसको पकड़ कर जो है वो छोटा कर लेंगे। इसको अपनी पिक्चर के हिसाब से जो है हमने इसको सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम अपने फ्रेम को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारे बिल्कुल सेट ठीक बैठा हुआ है, तो उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है अपनी टेक्स्ट, लिखना है जो भी हम मतलब के लिखना चाहते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं How to download free video, ठीक है। ये हमने अपना जो है टेक्स्ट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अगर तो हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट, यहाँ से हम जाके इसको जितना आप चाहते हैं, ये पहले है 67, हम इसको 72 कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 62 को रेज करके आप मतलब के 90 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमारी जो एक साइड की तरफ चला गया। हम दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फ्री के बिल्कुल पीछे क्लिक करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे फ्री वाले जो है वो वर्ड जो आगे गए होते वो पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आप फिर यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आपने कलर चेंज करना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो हम जो है यहाँ से जाकर कलर के ऊपर जाएंगे। कलर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से जो भी कलर है वाइट लेना चाहते हैं तो वाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री कलर है, ठीक है, इसके अपने हैं, तो आप कोई कलर भी जो है वो ले कर इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने जाके Ctrl+Shift+S के साथ जो है वो अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाके अपने कंप्यूटर सेव ऑन कंप्यूटर पर जाएंगे। सेव ऑन कंप्यूटर पर जाने के बाद यहाँ से हम अपनी JPG फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका कोई भी नेम देकर यहाँ से हम इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो जो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।